हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट गिवन डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। जब हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम में हमने डिस्कस किया था दैट रैशनल नंबर जो है उसका डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग फॉर्म। सो नॉर्मली आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं या आपके यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशंस में आते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग फॉर्म ऑफ जो नंबर्स होता है उसको आपको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। सो यहाँ पर आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। सो इसके हम दो वीडियोज बनाएंगे। सो दिस इज द पार्ट वन। पार्ट टू में हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो जस्ट पॉइंट के बाद नंबर्स रिकर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर वन बार दैट इज 1111, एक डिजिट रिकर हो रहा है। यहाँ पर 35 बार दैट इज 353535। सो यहाँ पर जो नंबर्स है वो जिस पॉइंट के बाद रिकर होना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द टाइप वन। टाइप टू में हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद जस्ट नंबर्स रिकर नहीं हो रहे, वो कुछ डिजिट के बाद नंबर्स रिकर होना स्टार्ट होंगे। तो वैसे टाइप के भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो हमको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। वी नो दैट एनी रैशनल नंबर कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, नाउ 0.1 बार। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट दिस वैल्यू 0.1 बार, सो इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स इज 0.1 बार। सो हमने अज्यूम कर लिया दैट x इज इक्वल टू 0.1 बार। सो दिस इक्वेशन वन। अब देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट रिकर हो रहा है, 8, दैट इज 111। सो जब भी पॉइंट के बाद एक नंबर रिकर होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय 10, किसे करेंगे 10। सो ये जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखो इसका मतलब होता है 0.111 एंड सो ऑन। इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें, तो जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है बाय वन डिजिट। तो 10 से करें तो वन डिजिट, 100 से करेंगे तो टू डिजिट। तो यहां पर वन डिजिट ये शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बी 1.11। ये जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। सो इट इज 1.1111 एंड सो ऑन, दैट इज 1.1 बार हो जाएगा। सो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 1.1 बार। होप यू अंडरस्टूड। ये पॉइंट यहां शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 1. देन 111 रिकर होते रहेगा, सो इट विल बिकम 1.1 बार। सो दिस इज इक्वेशन टू। नाउ अब यहां पर भी 0.1 बार है, यहां पर भी 0.1 बार है, जस्ट पॉइंट के बाद नंबर रिकर हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू। सो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू। सो टू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 10x माइनस x, सो वन को टू में से सब्ट्रैक्ट करें, इक्वल्स टू 1.1 बार माइनस 0.1 बार। सो यहां पर देखिए इट इज 1.1 बार, दैट मीन 1.111 एंड सो ऑन, एंड दिस इज 0.1 बार, दैट इज 111। तो पॉइंट के बाद 11, तो 1 माइनस 10, 1 माइनस 10, सो ये पूरा 00 हो जाएगा। 0.1 माइनस 0 इज 1, सो 1.1 बार माइनस 0.1 बार इज नथिंग बट 1, एंड दिस विल बी नथिंग बट 9x। सो 9 को हम यहां ट्रांसपोज करेंगे, सो इट विल बी 1/9। सो दिस इज इक्वेशन 3। सो नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1/9, बट x इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1 बार। सो फ्रॉम 1 एंड 3 वी कैन से दैट 0.1 बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/9। सो दिस इज योर आंसर। सो देयरफॉर 0.1 बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/9। ओके, सो अगर आपको इसकी स्टेप्स लिखना है तो आप वीडियो को यहां पर पॉज करके लिख सकते हैं ये स्टेप्स। सो विल सी द नेक्स्ट सम, दैट इज 0.35 बार। So the same steps again, let x is equals to 0.35 bar, so this is equation 1.
नाउ 0.35 बार दैट इज 353535, तो दो डिजिट यहां पर रिकर हो रहा है. जब दो डिजिट रिकर होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100, सो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 0.353535 एंड सो ऑन. सो जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कितना डिजिट आगे शिफ्ट होगा, दो डिजिट. सो इट विल बिकम 35.353535 एंड सो ऑन. सो ये हो जाएगा 35.35 बार. सो जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 35.35 बार. सो दिस इज इक्वेशन टू. अगेन सो यहां पर पॉइंट का 35 बार है, यहां पर भी 35 बार है. सो वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, सो ये क्या हो जाएगा, 100x माइनस x विल बी नथिंग बट 35.35 बार माइनस 0.35 बार. ओके सो यहां पर 35 बार जैसे यहां पर मेरे लिखा हुआ है, सो 35.35 बार एंड माइनस 0.35 बार, सो 35 35 35 एंड सो ऑन. सो पॉइंट के बाद 3 - 3 = 0, 5 - 5 = 0 एंड 0 0 0 0 पूरा 0 आते जाएगा एंड 35 - 0 = 35, सो ये हो जाएगा 35.0. सो दैट इज नथिंग बट 35 ओनली. सो ये हो जाएगा 35 एंड दिस विल बी 99x. सो x इज 35/99. सो दिस इज इक्वेशन 3. सो यहां पर कुछ कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा. सो अगर कोई कॉमन फैक्टर मिलता है आपको यहां पर कुछ कैंसिलेशन के लिए तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको लोएस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते कट कर सकते हैं, बट यहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सो इट विल बी 35/99. ओके सो फ्रॉम 1 and 3, सो 1 में x इज 0.35 बार एंड x इज 35/99. सो 0.35 बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू 35/99. सो यहां पर हमने देखा जब दो डिजिट रिकर हो रहा है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 0.585 बार. सो यहां पर कितने डिजिट रिकर हो रहा है, 3 डिजिट रिकर हो रहा है. सो अगर 3 डिजिट रिकर हो रहा है तो आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से करना है. सो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, आप इसका आंसर लेके आइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए. सो विल डिस्कस आपने वो सही किया है कि गलत किया हुआ है. तो ये आपके लिए, आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है. नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर डी. सो क्वेश्चन नंबर डी भी जो है वो इनके टाइप का ही है. जस्ट यहां पर हमने देखा पॉइंट के पहले जीरो से, यहां पर पॉइंट के पहले देयर इज सर्टेन वैल्यू. सो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, तो मैं वो सॉल्व कर देता हूँ. आप क्वेश्चन सी जो है आप खुद से सॉल्व करिए, उसका आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. ओके सो सेम स्टेप्स. तो यहां पर क्या करेंगे, लेट x इज नथिंग बट इक्वल्स टू 23.43 बार. सो दिस विल बी इक्वेशन 1. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, सो यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर रिकर हो रहा है, दो डिजिट रिकर हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. सो इट विल बिकम 100x इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 23.43 43 43 एंड सो ऑन. इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन दो डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल बिकम 2343, अब पॉइंट यहां आ गया 0.434343 एंड सो ऑन, ये रिकर होते जाएगा. सो इट विल बिकम 2343.43 बार. सो दिस इज योर इक्वेशन 2. नाउ पॉइंट पॉइंट के बाद 43 बार है, यहां पर भी पॉइंट के बाद 43 बार है. सो वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, सो 100x माइनस x इक्वल्स टू 2343.43 बार माइनस 23.43 बार. ओके सो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही 2343.43 बार का मतलब ये होता है. आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 23.43 बार मतलब 43 43 43 एंड सो ऑन.
तो यहां पर लिखेंगे तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 3 minus 3 0 4 दिस इज 2 सो 2 3 2 0 सो ये हो जाएगा 2 3 2 0 एंड दिस विल बिकम 99x सो x इज 2 3 2 0 डिवाइडेड बाय 99 सो दिस इक्वेशन 3 अगेन मैं बोल रहा हूं कोई कोई क्वेश्चन में आपको कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे तो आप कॉमन फैक्शन वहां क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होगा उनके बीच में सो नाउ फ्रॉम 1 एंड 3 फ्रॉम 1 एंड 3 x इक्वल्स टू दिस एंड x इज आल्सो इक्वल्स टू दिस सो इट विल बी 23.43 बार इक्वल्स टू 2320 डिवाइड बाय 99 सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट non-terminating but recurring form of decimal expansion of rational numbers in a form of p by q. तो यहाँ पर हमने जो examples लिए उसमें point के बाद just numbers recur होना start हो गया. But next video में हम जो examples लेंगे उसमें point के just बाद numbers recur नहीं होंगे. वो कुछ digit के बाद recur होना start करेंगे. तो उसमें हम कैसे steps follow करेंगे वो हम next video में discuss करेंगे. आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम वो वहां पर आपका डाउट क्लियर कर देंगे होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू हेलो बच्चों अनअकैडमी हैज लॉन्च न्यू फीचर ऑन अनअकैडमीज लर्निंग ऐप एंड वो फीचर का नाम है आस्क अ डाउट बहुत से टाइम जब हम सेल्फ स्टडी करते रहते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट आता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या सलूशन होगा अब एग्जामिनेशन के टाइम पे भी ऐसा होता है तो आपके पास टाइम होता नहीं है कि नेक्स्ट डे आप स्कूल में जाके या क्लासेस में जाके पूछ सके तो ऐसे टाइम पे आपका जो क्वेश्चन है उसका डाउट क्लियर हो जाए प्लस उसका सलूशन में मिल जाए तो इससे बेटर क्या होगा तो उसके लिए आप आस्क अ डाउट फीचर यूज कर सकते सो इसके लिए करना क्या होगा व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीचर का बेनिफिट्स क्या है दैट यू कैन आस्क अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क एट एनी टाइम कभी भी आप पूछ सकते हैं 24/7 एंड यू विल गेट हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश एंड यू विल गेट एग्जैक्ट मैच फॉर योर क्वेश्चंस जो सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड है वही आपको मिलेगा उसके ही रिलेटेड वीडियोज मिलेंगे एंड ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन टू लैक ऑफ क्वेश्चंस तो आपको इंस्टेंटली उसका सोल्यूशन मिल जाएगा विद इन 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा 4-5 सेकेंड्स में भी आपको उसके सजेशंस वो वीडियोस आपको मिल जाते हैं एंड जस्ट इट विल बी हेल्पफुल फॉर इन योर होमवर्क्स आल्सो एंड लास्ट मिनट प्रिपरेशन में सो हाउ यू कैन आस्क द डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे ऑन गूगल प्ले स्टोर तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन करने के बाद आपको फर्स्ट ये सिलेक्ट करना है आपका गोल क्या है दैट इज क्लास 9th क्लास 10th सो दिस फीचर इज आप available from class 6 to class 12th for maths and science this is applicable for maths and science only okay now step 1 ab jise app open karenge to yahan par dekhenge ask a doubt karke option aayega iska practically main aapko karke dikhaunga just aap pehle steps dekh lijiye kya kya karna hai aapko ask a doubt option jo hai us pe aap jab click karenge to again you will get the option take a picture or choose from gallery अगर आपके पास बुक अवेलेबल है डायरेक्टली उसमें से आप पिक ले सकते हैं या आपके गैलरी में अवेलेबल है वो क्वेश्चन का पिक तो वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अब जैसे यहाँ पर एक दिख एक पिक सिलेक्टेड है अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसे लिखे हुए तो आप ये सारे क्वेश्चन एक साथ अपलोड नहीं कर सकते इसमें से आपको जो क्वेश्चन में डाउट है उसको क्रॉप करके सिलेक्ट करना है अंडरस्टूड आपको उसको हाईलाइट करना है दैट उसको क्रॉप करना है वही सेम क्वेश्चन को जो आपको पूछना है एट अ टाइम आप सारे क्वेश्चन अपलोड नहीं कर सकते उसके बाद जैसे आप अपलोड करेंगे तो यू विल गेट द ऑप्शन कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स का है मैथ्स का है या साइंस का है तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन के ऊपर वीडियोज होंगे वो आपको एज अ सजेशन में आ जाएंगे यस इट्स वेरी इंस्टेंट आपको ज़्यादा टाइम भी वेट नहीं करना होगा एंड वॉट आर डूज एंड डोंट्स वाइल यूजिंग दिस फीचर फर्स्ट पोस्ट ओनली वन पिक्चर एट अ टाइम एंड दैट इज वन क्वेश्चन एट अ टाइम और जो पिक्चर होना चाहिए दैट शुड बी क्लियर एंड कैप्चर ऑल सब क्वेश्चंस सब ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यू अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसमें जितने भी ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस उसमें क्लियरली आने चाहिए जैसे कोई ऑप्शन कट हो गया तो वो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा इफ अ क्वेश्चन हैज अ सब पार्ट्स
pose them separately and not as a part of the same question. And next, post printed text directly from book or soft copy. Then post doubts using Unacademy's app only. So Unacademy के app से आप ये feature use कर सकते हैं. What are don'ts? Do not post multiple doubts in a single image. So जैसे मैंने आपको बताया, आप at a time one question ही पूछ सकते हैं. Multiple question अगर वो pick में multiple questions होंगे तो आपको proper solution नहीं मिलेगा. Do not post handwritten questions, blurred image or incomplete questions. Okay. So, आपको करना क्या है इसके लिए? Unacademy का जो app है उसको आप Google Play Store से या Apple App Store वहाँ से भी आप कर सकते हैं. And ये फीचर यूज़ करने के लिए यू हैव टू यूज़ माई रेफरल कोड. फ्री में यूज़ करने के लिए आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना होगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट RL Tiwari.